लड़कियां मेरी भी लड़कियां हैं, सबकी लड़कियां, भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा है ना कि जब अगर लड़की अपनी लड़की मेरी बेटी मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। शैतान कभी सवार हो सकता है, बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। दारू की एक बोतल के लिए मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से मजहब की खूबसूरती पर होने वाली है और ये वीडियो का सातवां पार्ट है। यदि आपने पिछले छह पार्ट नहीं देखे हैं तो प्राइवेट बटन पर क्लिक करके आप उनको भी देख सकते हैं, मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। हाँ और पी, ओहो थोड़ी मौत तक सबर कर लो, शराब से तौबा कर लो। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊं। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, एक मुसलमान था, एक ईसाई था, एक हिंदू था। तीनों ने एक जगह काम करते, तुमने कहा चलो हम मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, हम वैसे भी रूममेट हैं तो आपस में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपस में पैसे डालकर तीनों ने इज्तिमाई शिकल में एक मोटरसाइकिल खरीद ली। ओके। तो पहले दिन ईसाई ने कहा मैं ले जाता हूँ। ठीक है आप ले जाए। वो ले गया जनाब, पेट्रोल डाला और अपने गिरजा ले गया, चर्च, और वहां जाकर उसने वो सलीब जो होती है ना, उनकी क्रॉस का निशान, वो छोटा सा एक क्रॉस का निशान लाकर उसकी हेडलाइट पर लगा दिया कि जी मैंने अपने स्कूटर को क्रिश्चियन बना दिया। तो शाम को आया तो साथियों ने कहा, वो तो आपने तो स्कूटर को जनाब क्या ईसाई बना दिया। दूसरे दिन हिंदू ले गया, वो अपने मंदिर ले गया, वहां से उसने वो टीका लिया जो यहां लगाते हैं ना, वो टीका उसके सलेब के साथ हेडलाइट के ऊपर लगा दिया, कहते तूने ईसाई किया था मैंने हिंदू बना दिया। उसने उसे हिंदू बना दिया। शाम को वो आया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा कमाल का आदमी है, एक दिन में उसको ईसाइयत से जनाब क्या है उसको हिंदू बना दिया। तीसरे दिन मुसलमान की बारी थी, उसने कहा मुझे तो इसको मुसलमान बनाना है। अब वो मस्जिद गया तो उसको कोई चीज नजर नहीं आया, मैं क्या लगाऊं इस पे, कोई चीज है ऐसी नहीं, कुरान को देखता है नहीं, ये तो लगा नहीं सकता उसके ऊपर। खैर वो सोचता रहा सोचता रहा, शाम को वापस आया, अभी वो मोहल्ले में दाखिल हुआ तो स्कूटर की आवाज आ रही है, बड़ी बड़ी आवाजें आ रही है। ये दोनों दौड़ते दौड़ते ईसाई और हिंदू बाहर गए तो देखा कि उस स्कूटर का सरेंसर आधा खटा हुआ है, सरेंसर है ना, आधा काट दिया उसने, और जोर जोर से आवाजें आ रही है मोहल्ले में। उन्होंने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा कि तुमने इसको ईसाई बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने हिंदू बनाया, मैंने आज इसकी खतना करके इसको मुसलमान कर दिया। क्या बात है, आमिर खान साहब की राबिया के साथ चौथी शादी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। से पहले इन्होंने तीन शादियां की, तीनों लव मैरिज थी और तीनों को तलाक दे दी।
इससे शादी का ये कौन सा नंबर है आपका? ये चौथा नंबर। अब्बास बेटा बहुत बढ़िया। इससे पहले जो तीन थी वो तीनों अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं बनी और उनसे डिवोर्स हो गई। अच्छा, बनी क्यों नहीं? बस वो केमिस्ट्री मैच नहीं हुई। केमिस्ट्री मैच हो या ना हो, पाकिस्तानी मुआशरे में बच्चे तवातर से पैदा होते रहते, तो बच्चे बच्चे होते रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं दो बच्चे और उनसे। केमिस्ट्री नहीं अभी मैच हुई थी? केमिस्ट्री मैच होना जरूरी नहीं बच्चे होने के लिए। अगर केमिस्ट्री मैच हो जाती तो मतलब 12-13 हो जाने थे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। 5 अरब आबादी है जिनमें 1 अरब मुसलमान है, तो एक आदमी 4 काफिरों पे मेहनत कर ले तो ये थोड़े दिनों में सारे क्या हो जाएंगे? मुसलमान। ये उनका एक तरगीब देने का तरीका था। मैंने सोचा कि एक आदमी 4 काफिरों पर मेहनत करे, काफिर सुनेगा नहीं बात, नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना ये 1 अरब 4 अरब हो जाएं, और वो जो 4 अरब थे वो उतने के उतने ही रहें। यानी हम अपना ग्रोथ रेशो 4 गुना, जो नौजवान हजरात हैं मेरी बात को मुकम्मल करें, हम अपना जो ग्रोथ रेशो है वो 4 गुना बढ़ा। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? अगर किसी के 4 बच्चे एक बीवी से हो रहे हैं तो 4 से कितने हो जाएंगे? 16। ये नुस्खा बड़ा जबरदस्त है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक में से जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। We'll be right back.